ऐसी खबर है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर मंथन कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट सेल के एडवाइजर प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को मेल भेजकर पाकिस्तान को जाने वाले पानी को तुरंत रोकने और भारत में उस पानी के इस्तेमाल का रास्ता बताया है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी के पानी को रोकने पर विचार कर रहा है, पर जल समझौतों के जानकार और पंजाब सरकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट सेल के सलाहकार प्रीतम सिंह कुमेदान इस विचार पर सहमत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। कुमेदान ने प्रधानमंत्री को इस चिट्ठी में लिखा है कि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान को डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को डराने के लिए चिनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, जिस पर पाकिस्तान की कृषि पूरी तरह से निर्भर है। कुमेदान ने लिखा कि सिंधु की बजाय चिनाब का पानी डाइवर्ट किए जाने से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर ज्यादा नुकसान होगा। अगर हम उनको नुकसान पहुंचाना भी चाहें इंडस का और जेल्ब का, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं पहुँचेगा, वो भी जानते हैं। बगैर बंद कर ले तो कहाँ ले जाएंगे पानी? इंडस का पानी कहाँ ले जाएंगे? जेल का कहाँ ले जाएंगे? तो अगर उनको थ्रेट को काम कर सकता है तो वो पंजाब वाला थ्रेट है। चिनाब नदी का पानी जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे। अपनी चिट्ठी में कुमेदार ने ये भी जिक्र किया कि किस तरह चिनाब का पानी डाइवर्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1948 में चिनाब के पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो योजना पंजाब ने बनाई थी उसको लागू किया जा सकता है। उस वक्त पंजाब ने लाहौल स्पीति के नजदीक मड़ू नाम की जगह पर सुरंग बनाकर चिनाब का 20,000 क्यूसिक पानी रोजाना रावी नदी में डालने और फिर रावी नदी से ये पानी ब्यास नदी में पहुँचाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान डर गया था। पंजाब ने एक स्कीम बना ली के चिनाब से एक टनल निकाल के 20,000 क्यूसक पानी डेली रावी में डाल दिया जाए, रावी से ब्यास में, ब्यास से आगे राजस्थान पंजाब दिल्ली में। प्रीतम सिंह कुमेदान के मुताबिक अगर सरकार चिनाब का पानी डाइवर्ट करती है तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकेगा, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की पानी की जरूरतें बखूबी पूरा की जा सकती हैं। इतना पानी है फिर तो पंजाब की जरूरत भी फुल, जितना मरी जो है हरियाणा की फुल, राजस्थान की फुल, जितना पानी मारे जितना चाहिए लगाया जाए। तो पंजाब और हरियाणा में तो जगह नहीं मिलेगी इतना पानी लगाने को, तो राजस्थान है, राजस्थान में जितना बंजर इलाका है सबको पानी लग जाएगा। कुमेदान का कहना है कि अगर केंद्र सरकार पंजाब के 1948 में बनाई गई योजना को लागू कर देती है तो पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रदेशों में पानी की कमी नहीं रहेगी। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।